जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से IND हिंदी टेक चैनल में स्वागत करता हूं। अकाउंट एग्रीगेटर है क्या, इसका क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। रिसेंटली आप देखे होंगे फ़ोन पे एप्लीकेशन में बैंक स्टेटमेंट करके एक फीचर आया है जिसके नीचे फ़ोन पे अकाउंट एग्रीगेटर लिखा हुआ है। इनेबल करने से पहले, रजिस्ट्रेशन करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये है क्या और इसका क्या फ़ायदे हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, ये RBI की तरफ से शुरू किया गया है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि जिसको मैं अप्रूवल दूंगा, जिसको मैं लाइसेंस दूंगा, वही जो है इसे एक्सेस कर सकता है, यानी कि वही इस फीचर को ग्राहकों तक दे सकता है। जैसे फ़ोन पे एप्लीकेशन ने शुरू किया तो आप समझ सकते हैं कि अप्रूवल वो RBI की तरफ से लेकर आई है। अब सबसे पहले जानते हैं अकाउंट एग्रीगेटर है क्या। देखो, इसमें आपका पूरा फाइनेंशियल डेटा एकत्रित होगा जिसमें आप डाटा शेयरिंग काफ़ी आसानी से कर सकती हैं। इसे आसान भाषा में समझती हैं, जैसे आपका क्रेडिट स्कोर होता है, क्रेडिट स्कोर में आप लोग क्या देखते हो, एक तो क्रेडिट हिस्ट्री आपको दिखाता है और क्रेडिट स्कोर दिखाता है। तो क्रेडिट स्कोर में जो आपका हिस्ट्री रहता है उसी बिहाफ पर आपका क्रेडिट स्कोर बना रहता है। 900 होता है मैक्सिमम, उससे कम 800 850 वाले बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो अब लोन और क्रेडिट कार्ड वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, मेरा क्रेडिट स्कोर अच्छा है। लेकिन क्रेडिट हिस्ट्री आपको ये दिखाता है कि आपने कितना इंक्वायरी डाला है, कितना क्रेडिट कार्ड ले रखा है, कितना लिमिट है, कितना लोन ले रखे हैं, कितना आपने टाइमली पेमेंट किया है या फिर टाइमली पेमेंट नहीं किया है। तो वो जो डेटा दिखाता है वो आपके पैन कार्ड के ऊपर दिखाता है। और आप लोगों को मालूम होगा कि पैन कार्ड 50,000 रुपए से ऊपर की जो ट्रांजेक्शन होती है उसे रीड कर पाती है। अब ये जो आपको अकाउंट एग्रीगेटर की फीचर मिल रहा, इसमें पूरा फाइनेंशियल डेटा आपको दिखाएगा जिसमें सिर्फ क्रेडिट कार्ड और लोन नहीं बल्कि इसमें जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में, अच्छा इतना इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है वो भी वहां पर दिखाएगा। उसके बाद इस कंपनी से आपने इंश्योरेंस ले रखा है वो भी आपको दिखाएगा। बैंक स्टेटमेंट, अरे कितना ज्यादा ट्रांजैक्शन है वो भी वहां पर आपको दिखाएगा। तो मतलब जो भी आपका फाइनेंशियल रहता है, क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन, लोन, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, जो भी आपका फाइनेंशियल डेटा है वो वहां पर दिखाएगा। अब दिखाएगा कैसे, यही तो बड़ी चीज है। ये बैंक जो है शेयर करेगी। अब आप सोचोगे बैंक ऐसे ही कैसे शेयर कर देगी, भाई मेरा डेटा बैंक कैसे शेयर कर सकती है, तो आपके बिना अनुमति के नहीं करेगी। आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद AA ID बनेगा, अकाउंट एग्रीगेटर ID, जो कि फोन पे पर आपका मोबाइल नंबर @phone pe बन रहा है। उस आईडी के बाद आप रजिस्ट्रेशन कर जाते हो, आईडी बन जाता है, उसके बाद आप बैंक अकाउंट लिंक करते हो, जिस बैंक से डेटा शेयरिंग होगा उस बैंक को आप लिंक करते हो। लिंक करने के बाद जो फाइनेंशियल डेटा आपका रहता है वो वहां पर आ जाता है, पहुंच जाता है। अब इसका उपयोग कैसे होगा, तो जब आप क्रेडिट कार्ड लेने जाते हो या फिर लोन लेने जाते हो तो आपको मालूम होगा कि एक दो पक्ष को वो देखते हैं कि आपका क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, आपका क्रेडिट स्कोर क्या है। साथ ही साथ वो कहते हैं कि भाई इनकम करते हो, दिखाओ इनकम स्लिप, या फिर प्रॉपर्टी है दिखाओ, मतलब होता है हाउसिंग लोन या फिर कुछ भी लेने जाते हो आप, तो वो दो तीन पक्ष को देखते हैं, फिर देखते हैं नाना भगा देते हैं कि जाओ आपको नहीं मिल सकता, कुछ और लेकर आओ या फिर मुझे ये चाहिए जिससे मैं आपको भरोसा कर सकूं। तो अब क्या होगा कि जब आप ये अपना फाइनेंशियल डेटा उन तक शेयर करोगे और आप कहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखे हो, इंश्योरेंस खुला रखे हो, जैसे ही वो देखेगा कि अच्छा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मतलब एक अनुमानित कह रहे हैं, तो जैसे ही देखेगा कि इन्वेस्टमेंट है, इंश्योरेंस है, भरोसा करके वो आपको क्रेडिट कार्ड और लोन दे सकती है, मतलब ऐसे ही तो नहीं भगा सकती है, पहले देखेगी। अब इसमें सवाल ये आता है कि भाई इसका फ़ायदा क्या है, तो फ़ायदा तो मैंने आपको बता दिया कि आप अकाउंट एग्रीगेटर के तहत जो डेटा इकट्ठा आपका रहता है वो कहीं लोन या फिर आप क्रेडिट कार्ड वगैरह लेने जाते हो उसे आप एक्सेस देते हो, वो देखती है कि आपका फाइनेंशियल स्थिति स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, तो वो आप पर भरोसा करती है और आपको लोन देती है, क्रेडिट कार्ड वगैरह देती है, ज़्यादा दिक्कत परेशानी होने की ज़रूरत नहीं होती है। अब इसका नुकसान क्या है, तो नुकसान में आप एक ही चीज़ उस समय से सोच रहे होंगे कि जो डेटा है बैंक शेयर करती है और डेटा यहाँ पर फ़ोन पे मैं अकाउंट एग्रीगेटर इस्तेमाल करता हूँ और फिर वो कोई और एक्सेस कर रहा, तो मेरा डेटा का तो ऐसी तैसी हो जाएगा, कोई डेटा चोरी भी तो कर सकता है, कोई मेरा डेटा बेच भी तो सकता है क्योंकि उसमें पूरा डिटेल्स तो रहेगा।
बढ़ेगी। तो जी हाँ, ये डर आपके मन में जरूर बना हुआ है, लेकिन RBI ने कहा है कि ये जो डेटा रहेगा आपका अकाउंट एग्रीगेटर में, फाइनेंशियल आपका जो डेटा रहेगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहेगा, मतलब उसे कोई रीड नहीं कर सकता। और दूसरी नंबर चीज ये है कि बिना अनुमति के अकाउंट एग्रीगेटर में डाटा आपका इकट्ठा नहीं होगा। आप बैंक अकाउंट को लिंक करोगे उसके बाद ही वहां से वो डेटा शेयर करेगा, भेजेगा। फिर यहां से जो आप आगे देखेगा, जो यूजर होगा, जैसे कोई बैंक है या फिर कोई कंपनी है जो आपको लोन दे रही है, क्रेडिट कार्ड वगैरह दे रही है या फिर कुछ भी है, तो वो हो जाती है यूजर, ठीक है। वो इस डेटा का यूज करेगी, देखेगी और उसके अनुसार से ही आपका काम आगे वो करेगी। तो जो यूजर हो जाती है उसको भी आपको अनुमति देना पड़ेगा, बिना आपके अनुमति से वो भी यहां पर सेंध नहीं मार सकती है और एक्सेस नहीं कर सकती है। तो अब तक इस वीडियो में आप अकाउंट एग्रीगेटर के बारे में जाना, इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है, कैसे इनेबल करना होता है, मैं वीडियो बना चुका हूं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। और अंत में मैं यही बताना चाहूँगा कि ये आपका अपना चॉइस है, अकाउंट एग्रीगेटर रजिस्ट्रेशन कीजिए या फिर नहीं कीजिए, ये आपका अपना चॉइस है। इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको अकाउंट एग्रीगेटर रजिस्ट्रेशन करना ही है, इनेबल करना ही है। लेकिन एक बात यहाँ पर क्लियर है कि अकाउंट एग्रीगेटर डेटा जो है वो आपका पूरा फाइनेंशियल डेटा वहाँ पर आ जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया। और अभी ज़्यादा बैंक सपोर्ट नहीं कर रहा, धीरे धीरे और भी बैंक इसमें जुड़ा जाएगा। तो आसान भाषा में मैंने समझाया है, कोशिश किया है, उम्मीद करेंगे समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है, कोई प्रश्न है, वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।